हेलो एवरीवन, आई एम शिखा श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको टमाटर की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम लाल पके हुए टमाटर। अच्छी तरह से इसे हम धो के पोंछ लेंगे। 2 छोटी चम्मच तेल बघारने के लिए, राई के दाने थोड़े से, मैंने 2 चम्मच चुकंदर का पेस्ट भी लिया है कलर के लिए, नमक स्वादानुसार, खड़ा धनिया, सौंफ मोटी, 1 चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच कलौंजी के बीज और शक्कर, आधा कप करीब पानी। अब सबसे पहले मैं कढ़ाई में पानी डालकर उबलने रखूंगी, क्योंकि मुझे इन टमाटरों को ब्लांच करना है। ब्लांच करने के लिए टमाटर को उबलते हुए पानी में डाला जाता है। पानी में डालने से पहले टमाटर में चारों तरफ से कट लगाया जाता है, ताकि इसका छिलका हम आसानी से उतार सकें। यदि हम ऐसे ही इसे पीस देंगे तो छिलके के छोटे छोटे से टुकड़े मुंह में आएंगे, जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते। ये देखिए, मैं हर टमाटर में चारों तरफ से हल्का सा कट लगा रही हूँ, ताकि छिलका आसानी से उतर जाए। इस तरह से सभी टमाटर में कट लगाना है। ये देखिए, अब इन टमाटरों को मुझे उबलते हुए पानी में एक एक करके डालना है। इसे हमें सिर्फ 2 मिनट ही पकाना है। सभी टमाटर डालकर हम इसे 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ये टमाटर ब्लांच हो चुके हैं। देखिए, सभी टमाटरों का छिलका अपने आप ही उतर गया है। हमने कट लगाया था, इसलिए अब हमें छिलके को उतारने में बहुत ही आसानी होगी। इसे हम गर्म पानी से निकाल लेंगे। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद सभी टमाटरों के छिलके हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कितने ही आसानी से छिलके निकल जा रहे हैं। यह चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सर्दियों के मौसम में आलू के पराठे, मेथी के पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, कितने आसानी से छिलके उतर रहे हैं। अब हम इन टमाटरों को काट लेंगे। इन्हें अगर मोटा भी काटे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इनकी प्यूरी बनाना है। इस टमाटर को अब हम पीसेंगे। इसे में हम मिक्सर में डालेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर में अपने आप में बहुत ही जूस होता है। अब हम इस चटनी को बघारने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई गर्म होने रख दी है हमने। इसमें हम 2 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, इतना कि हमारा पंचफोरन तेल में डूब जाए, बस इतना ही तेल काफ़ी है। 1 छोटी चम्मच मैंने राई के दाने डाले हैं, राई तड़कने दें। 1 चम्मच धनिया, खड़ा धनिया मुंह में बहुत अच्छा लगता है, मोटी सौंफ 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच कलौंजी, या इसे हम प्याज के फूल भी बोलते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। ये पांचों चीज़ें पंचफोरन कहलाती हैं। इस
इसके बघार से इस चटनी में एक अलग ही स्वाद आएगा। इस पंचफोरन को एक मिनट के करीब पकने दें। ये थोड़ी सी तड़कने की आवाज़ आने लगी है, मैंने थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है इसमें। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, इसे हिला लें नहीं तो जलने का डर है। अब यह हो चुका है, इसमें हम पिसा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर थोड़े से मोटे ही पिसें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटे छोटे टमाटर के पीस जब मुंह में आते हैं तो एक अलग ही स्वाद लगता है इस चटनी का। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, 2 छोटी चम्मच, क्योंकि यह चटनी थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, इसलिए पानी हम इसमें कम डालें। 2 मिनट पकाएं। 2 छोटी चम्मच नमक डाला है मैंने इसमें, 2 छोटी चम्मच शक्कर डालेंगे, क्योंकि यह चटनी खट्टी मीठी अच्छी लगती है। शक्कर हम थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं यदि आपको मीठी चटनी पसंद हो तो। अब इस चटनी में रंग के लिए मैंने चुकंदर का पेस्ट बनाया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच। अब आप देखिए इस चटनी में कितना सुंदर रंग आएगा और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी, साथ ही खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। यह चटनी आप ज़रूर बनाइए, यह बहुत ही पौष्टिक होती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। बारीक कटे हुए हरा धनिए से हम इसे थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। इसे 2 मिनट पकाइए। थोड़ा सा हिलाइए इसे। ये चटनी हमारी तैयार होने आई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। 1 चम्मच क्रीम डालें।